हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू चैनल ब्लॉग्स बाय गीता शर्मा, जहां आप जानते हैं सिलाई से जुड़ी जानकारियां, देखते हैं अच्छे अच्छे ब्लॉग्स। तो आज इस वीडियो में भी मैं एक जो प्रॉब्लम है जिसके लिए मुझे कमेंट आ रहे थे उसका सोल्यूशन लेकर आई हूं। तो वीडियो पर आप पूरे बने रहना। जैसा कि फेस्टिवल आ गए हैं तो सभी को ब्लाउज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं कि ब्लाउज टाइट हो गया है, छोटा हो गया है, स्लीव्स टाइट हो गई है। तो मैंने चैनल पर सभी के लिए वीडियो बना रखी है। अगर आपका ब्लाउज टाइट हो गया है, मार्जिन नहीं है, उसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है। ये है वो वीडियो, इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। स्लीव्स अगर टाइट हो गई है तो उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाई है, ये वाली है वो वीडियो, इसका भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अब ब्लाउज छोटा हो गया है तो उसके लिए भी मैंने वीडियो बना रखी है, और जिनमें मार्जिन नहीं है उनको कुछ ना कुछ आइडिया लगाकर आपको बता रखा है, क्योंकि मैं भी ऐसे ही जो जुगाड़ है वो लगाती हूँ किसी भी कपड़े में, पर उसको सही जरूर करती हूँ। ऐसे ही इस वीडियो में भी एक प्रॉब्लम जो मेरे व्यूवर्स को हो रही है कि उन्होंने रेडीमेड ब्लाउज खरीदा है। देखिए, जल्दी जल्दी में सभी लोग रेडीमेड ब्लाउज खरीदते हैं, कुछ थोड़े सस्ते भी पड़ जाते हैं वो, पर कुछ ना कुछ कमी जरूर ही हो जाती है उनमें। ठीक है, अगर हम सिलवाते हैं तो अपना बताते हैं कि हमें ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, पर रेडीमेड में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। तो आज उसी के ऊपर ये वीडियो है। तो जिन व्यूवर्स ने मुझे कमेंट किया है उन्होंने मुझे बताया है कि उनका जो बोट नेक है रेडीमेड ब्लाउज का, वो काफी मतलब छोटा है, उनको काफी टाइट हो रहा है। वो टाइट इसीलिए ही हो रहा है क्योंकि वो इतना छोटा है, वो यहाँ पर जाकर बिल्कुल अड़ जाता है, और यहाँ से खिंचाव जब महसूस होता है तो वो छोटा ही हमें लगता है, बल्कि बहुत ज्यादा टाइट लगता है। तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। अगर आपको अपने बोट नेक को बोट नेक ही रखना है कि हमें तो कुछ भी नहीं उसमें करना है, तो आपको क्या करना है, वहीं से कट कीजिए। आपको सिर्फ कंधे नहीं छेड़ने हैं बिल्कुल भी। अगर आपने कंधों से कटिंग करनी शुरू करी तो क्या होगा कि ये जो आपके कंधे हैं ना, वो गिरने लगेंगे। वो नहीं करना है आपको। क्या करना है, यहीं से कट देते हुए, बीच में से कट देते हुए इसको थोड़ा सा डीप कर देना, हल्का सा। फिर उसे उरे पट्टी लगाइए, अंदर मोड़ दीजिए, आपकी प्रॉब्लम एक मिनट में सॉल्व हो जाएगी। तो अगर आपको ये भी नहीं करना है तो और भी सॉल्यूशन है, जैसे कि आप इसी नेक को थोड़ा डिजाइनर भी बना सकते हैं और अच्छी लुक भी दे सकते हैं। कैसे, इसी नेक में, बोट नेक में ही वो हमें यहीं से टाइट ज्यादा हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम क्या करें, उसमें वी नेक बना दे छोटा सा। जैसा कि आप ये देखिए साइड में आप देख रहे होंगे, ऐसा छोटा सा हम वी नेक बनाएंगे। तो ये देखिए 2 इंच ऊपर से ओपन हो जाएगा, ऐसे बन जाएगा, और हमारा नेक भी सुंदर हो जाएगा, ब्लाउज बहुत ही सुंदर लगेगा। मैंने एक कस्टमर का तो ऐसे ही ठीक किया है, उसमें वी ही बनाया है मैंने, और उनको बिल्कुल ओके हो गया क्योंकि वो यहीं से उनको काफी अड़ रहा था। ठीक है, या फिर आप इस तरीके का लॉन्ग बना सकते हैं थोड़ा सा, पर इसको सिर्फ 3 इंच का ही रखना है आपको, पतला रखना है ये वाला सेकंड नंबर वाला, और सिर्फ 3 इंच का, क्योंकि 3 इंच का तो ये नेक पहले ही कटा होगा, फिर 3 इंच का आप बना दीजिए, सिर्फ 6 इंच का ही रखना है आगे तक। ठीक है, इसे या फिर आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं, या फिर इसमें आप लगा दीजिए डोरी, जैसे आपने बना दिया है ये, ठीक है, थोड़ा सा लॉन्ग करके बना दिया, तो इसमें आप डोरी लगाइए, अपनी मर्जी से आपको जितना ढीला चाहिए उतना ढीला करिए, जितना टाइट चाहिए उतना टाइट कीजिए, और उस डोरी में अच्छी अच्छी चीजें लटकाइए, जैसे कि अच्छी सी लटकन, अच्छा सा खुद बनाकर, जो हम हैंडमेड लटकन होती है वो बनाकर लंबी लंबी लटकने लगाइए, वो सबसे ज्यादा अच्छा लगेगा। एक कस्टमर का मैंने ऐसे ही ठीक किया है और बहुत ही सुंदर लगता है साड़ी के ऊपर। जैसा कि मेरा ये कॉलर वाला ब्लाउज आप देख सकते हैं पिंक कलर का, इसमें मैंने जैसे कॉलर बनाया था, फिर मैंने एक छोटा सा नेक बनाया, फिर मैंने डोरी लगाई है, डोरी लगाने के बाद मैंने उसमें मतलब लटकन वटकन लटका दी है, तो ये बहुत ही सुंदर लगता है, किसी भी प्लेन साड़ी पर, किसी भी प्रिंटेड साड़ी पर पहना जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये वाला मुझे बेस्ट लगता है। अगर मैं आपको सजेस्ट करूंगी तो मैं यही करूंगी कि आप थोड़ा सा लॉन्ग बना दीजिए वी को करके, और डोरी वोरी लगा के कुछ भी जो आपको अच्छा लगता है वो उसमें लटकाइए, वो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। ये आप कर सकते हैं, ये 2 तरीके सबसे ज्यादा इजी है। इसमें आपको गले को भी नहीं छेड़ना है,
कोई इतनी ज्यादा कटिंग शटिंग नहीं है, बस दो हमें इस तरीके से छोटे छोटे से नेक बनाने हैं और काफी अच्छा लगेगा। या फिर आपको ये नहीं करना है कि चलो हमें तो डोरी वोरी ऐसे पसंद नहीं है, ये नहीं है, तो आपको क्या करना है, छोटा सा वी नेक बना दीजिए, सिर्फ डोरी ऐसे लगा दीजिए और दोनों तरफ कोनों में बटन लगा दीजिए, ये थोड़ा सा और डिजाइनर हो जाएगा और 1 सवा इंच आपका जो नेक है जो आपको परेशान कर रहा था वो भी नहीं करेगा इस तरीके से। इसमें तो मोती लगे हुए हैं पर ये मोती अलग आते हैं, अलग तरीके से लगाने वाले होते हैं, ये हमारे पास वैसे भी जल्दी से नहीं मिलने वाले, मैं भी ढूंढूंगी तो मुझे भी नहीं मिलेंगे, तो मैं भी क्या करूंगी, बस बटन ही लगा दूंगी साइड में। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब डिजाइन तो देखिए बहुत सारे हैं पर कुछ ही सिंपल डिजाइन मैं आपको बताना चाहती हूँ। फेस्टिवल आ गए हैं, जल्दी जल्दी सबको सब कुछ ठीक करना है, स्पेशली करवा चौथ आ गया है जिसके लिए मुझे कमेंट आ रहा था कि हमें करवा चौथ पर ही पहनना है, तो प्लीज जल्दी से वीडियो बनाइए। और कई कमेंट आ रहे थे मुझे प्रिंसेस कट ब्लाउज के लिए, तो वो नहीं बन पाया फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा बिजी हो रही हूँ क्योंकि साड़ियां भी थोड़ी सेल कर रही हूँ, तो जो कोरियर है वो भी करने हैं, तो इसलिए थोड़ी ज्यादा बिजी हो रही हूँ तो मैं नहीं कर पाई, सॉरी उसके लिए। पर मैं कोशिश करूंगी कि मैं अभी 1 आध दिन में ही प्रिंसेस कट ब्लाउज की वीडियो डालने वाली हूँ अपने दूसरे चैनल फैशन बाई गीता शर्मा पर, आप देख सकते हैं वहां पर, वहीं मैं कटिंग स्टिचिंग डिजाइनिंग सिखा रही हूँ, वहीं मैं साड़ियाँ सेल कर रही हूँ, जो भी ड्रेस मैं बनाती हूँ वो ही मैं आपको दिखा देती हूँ कि भाई आप मैंने ये बनाई है और ये मैं सेल करने वाली हूँ, तो आप मुझे मैसेज कर वो खरीद सकते हैं। अगर आपको ये आइडिया अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, जिनकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है वो भी मुझे कमेंट करके बताए, क्योंकि कमेंट इतने नीचे चले जाते हैं तो मुझे वो कमेंट मिलते ही नहीं है बाद में, पर हाँ मैं लिख लेती हूँ कि इनके लिए ये बनानी है वीडियो, उनके लिए वो बनानी है वीडियो, तो थोड़ा सा मुझे पता रहता है। कुछ लोगों को तो बिल्कुल ही भूल जाती हूँ पर वो मुझे याद दिलाते हैं कि हमें ये सीखना था या ये करना था, तो उनके लिए भी मैं जल्दी जल्दी ही वीडियो बनाऊंगी, टेंशन बिल्कुल मत लेना आप लोग। थोड़ा सा ठंड हो ही गई है आज, मेरी पूरी टी शर्ट भी निकल गई है, देखिए पूरी टी शर्ट पहनी है मैंने, बारिश हो रही है बाहर यहाँ पर, तो काफी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं और सारी डिजाइन एक साथ देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है फैशन बाय गीता शर्मा, आप मुझे वहां फॉलो कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी कर दीजिए, आने वाली वीडियोज में आप लोगों के लिए बहुत कुछ है देखने के लिए, और आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में कुछ और नया लेकर, बाय फ्रेंड्स, बाय।